हेलो दोस्तों, मैं हूं सुकांत सरंगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रैवल विद सुकांत सरंगी। आज हम आए हैं गोपालपुर ऑन सी बीच देखने के लिए। ये उड़ीसा का नंबर 2 बीच है। पुरी बीच के बाद इसी बीच का ज्यादा लोग जानते हैं, बहुत फेमस है ये बीच। गोपालपुर सी बीच का और एक लैंडमार्क है, उसका लाइट हाउस। ये जो बीच को आने का रास्ता है, बस उसी के लेफ्ट साइड में लाइट हाउस आता है। गोपालपुर सी बीच ऑल्सो फेमस है। यहाँ पर एक साल में एक बार बीच फेस्टिवल होता है। यहाँ पर जो लाइट हाउस है वो 1871 साल में एस्टेब्लिश किया गया था। ये उड़ीसा राज्य का सबसे पुराना लाइट हाउस में से एक ठो है। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं। गोपालपुर इसका बहुत प्राचीन इतिहास है। पहले यहाँ एक बंदर हुआ करता था, मतलब पोर्ट। 1942 तक, जब वर्ल्ड वॉर 2, तब तक ये पोर्ट काम करता था। उसके बाद वो पोर्ट बंद हो गया। फिर 1971 में एक नए जगह पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक नया गोपालपुर पोर्ट बनाया है। अभी वो जो पुराना पोर्ट है उसका आप सिर्फ देख सकते हैं। अभी वो पीछे की तरफ वहीं पर है, राइट साइड में वो पुराना घर है, पुराने जो उस टाइम में बीच में जो पोर्ट के लिए जो दुकान उधार बसते थे वो सबका भी बस इतिहास ही है। उसी के साइड में ही ये लाइट हाउस है। ये बीच बहुत फेमस है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत साफ सुथरा बीच है। अभी धीरे धीरे करके इसका पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग जो दुकानदार हैं वो चेयर वेयर डाले हुए हैं। ये भाड़े पे देते हैं, 50 रुपये भाड़े पे लोग चेयर देते हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बीच से रिलेटेड बाकी कुछ तो मिलेगा नहीं, लेकिन एक बहुत शांत सुंदर बीच, ज्यादा रिस्क नहीं है बीच में। जैसे पूरी बीच में थोड़ा रिस्क है, यहाँ पर उतना रिस्क नहीं है। थोड़ा मतलब अच्छा बीच है, काफी रिस्क फ्री है। आप यहाँ फैमिली के साथ आ सकते हैं, बीच फैमिली के लिए बहुत सही है। शाम में यहाँ पर सी फूड्स के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया दुकान है। आप वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के सी फूड्स खा सकते हैं। इसको घूमने के लिए अगर आपको आना है, ये साल भर के लिए, पूरे साल भर 12 महीने के लिए सबसे बढ़िया रहता है। लेकिन अगर आपको आना है तो आप विंटर में या समर टाइम में यहाँ आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये अभी भी मतलब भारत के जो बीच टूरिज्म है उसके मामले में ये अभी भी अनडिस्कवर बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा लोगों को पता नहीं है। अक्टूबर से मार्च का जो महीना है वही सबसे ज्यादा ये बीच के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसी टाइम में वेदर भी बढ़िया रहता है और आप ये बीच घूम सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर ज्यादा होटल्स नहीं है। यहाँ शायद 35 होटल्स हैं टोटल, बड़े और छोटे मिला के। तो मैक्सिमम आपको एडवांस बुकिंग करना पड़ेगा। सीजन टाइम में अगर आएंगे आपको ना मिलने के चांसेस ज्यादा है। जो गोपालपुर है ये आपका, इसके नजदीक में 15 किलोमीटर दूर बहरमपुर शहर है, ब्रह्मपुर शहर। ये गंगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी धीरे धीरे गोपालपुर ऑनसी जो है एक फेमस सी बीच और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनते जा रहा है उड़ीसा में। अगर आप अभी तक आए नहीं है यहाँ जरूर आइए। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं रोड के साइड में स्टेप्स बनाए गए हैं। आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं ये पूरा बीच है। अब आप जस्ट देखिए मेरे पीछे आ रहा है लाइट हाउस, आप देख सकते हैं वो है मेरे पीछे लाइट हाउस। ये है एक्चुअल लाइट हाउस। मैं रोड के साइड में राइट साइड में लाइट हाउस आपको दिखा रहा हूँ। लाइट हाउस के नजदीक जाने के लिए आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। उधर लाइट हाउस के पूरा नजदीक आप जा सकते हैं, फोटोग्राफी भी वहीं से कर सकते हैं। दूर में आपको थोड़ा ज्यादा, मतलब इधर इस तरफ से आपको थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत अननोन प्लेसेस, अननोन बीच को लेके आ रहा हूँ। आप जरूर उसको लाइक करिए। इनक्रेडिबल ओडिशा, इनक्रेडिबल इंडिया।